गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कैनरा बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप से आपने जो रिकरिंग डिपॉजिट बनाई है उसको क्लोज कैसे करें उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डिपॉजिट का मॉड्यूल आ गया। उसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ आरडी पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो रिकरिंग डिपॉजिट आ गई है, तो जैसे कि पहली वाली मैं क्लोज करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये डिपॉजिट का डिटेल आ गया। उसके बाद देखिए अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ओके, कि अमाउंट कहाँ पे क्रेडिट होना है। ओके, तो सिलेक्ट अकाउंट कि आपको सिलेक्ट करना होगा आपका जो सेविंग अकाउंट है, यानी जो सेविंग जो अकाउंट से जो रिकरिंग डिपॉजिट बना होगा उसी अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये पढ़ लेंगे, उसके बाद कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम पिन डालेंगे, आपका जो एम पिन है वो डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स मैं एम पिन डालता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एम पिन डाल दिया, तो ये देखिए फ्रेंड्स प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ आरडी सक्सेसफुल, ओके, यानी ये सक्सेसफुली क्लोज हो गई। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि होम पे चले जाएंगे तो दूसरी रिकरिंग डिपॉजिट है वो भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ रिकर आरडी पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे फिर, और अमाउंट यानी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ओके, यानी कौन से अकाउंट में वो क्रेडिट देना है वो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा वो सेविंग अकाउंट। ओके, ये सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद अमाउंट पेड 50, ओके, फिर करेंगे कंफर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एम पिन एंटर कर दिया है, फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट सक्सेसफुल, यानी ये रिकरिंग डिपॉजिट सक्सेसफुली क्लोज हो गई। ओके, तो ऐसे आप रिकरिंग डिपॉजिट ऐसे क्लोज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो रिकरिंग डिपॉजिट आपने ये मोबाइल ऐप से बनाई है वही रिकरिंग डिपॉजिट आप मोबाइल ऐप से क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने बैंक में जाके बनाई होगी तो वो बैंक में जाके एप्लीकेशन देके ही वो आपको क्लोज करानी होगी। ओके,